अभी हम लोग वर्ब की सीरीज में चल रहे हैं। वर्ब के पहले दिन में आपने देखा था वर्ब के दो प्रकार थे, एक मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब। उसके बारे में डिटेल आप देख चुके हैं। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ने के बाद आपने देखा था स्टेटिव वर्ब क्या होता है, डायनामिक वर्ब क्या होता है, और वीडियो नंबर सेकंड में आपने देखा क्या देखा, वर्ब के दो प्रकार कौन कौन से, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट की चर्चा करने के बाद आज हम वर्ब सीरीज की तीसरे दिन में चल रहे हैं। तीसरे दिन में आज हम आपको बताएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, उसको हम समझें कैसे, उसको देखें कैसे, उसको हम कैसे पहचाने, कैसे यूज करें। ठीक है, यह श्रृंखला पढ़ने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे, समझ में आए, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि आपके बनने वाले ऐसे नई वीडियो निरंतर आपको मिलती रहे और आप इसका भरपूर लाभ उठाते रहे। ओके, आइए देखते हैं आगे वीडियो। दोस्तों, वर्ब के आज ये तीसरे दिन है, वर्ब के पढ़ने का जो सीरीज है, वर्ब जो टॉपिक है आपका तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आज हम कुछ नई बात सीखेंगे। वर्ब में अब तक आप लोगों ने क्या क्या देखा आप बताए यहाँ पर। अब आज हम सीखने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समझना बड़ा आसान है। सबसे पहले अगर इसके आप नियम पर न जाकर के लॉजिकली देखेंगे, लॉजिक तक लगाएंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव बना है ट्रांसफर से। जो ट्रांसफर हो, जो वर्ब, जो एक्शन किसी पर डायरेक्टली ट्रांसफर हो, उसे हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और इसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक समझने के लिए आप जानते हैं कि किसी भी इंग्लिश का वर्ड जो होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हम हिंदी में जाएं, हिंदी का जो ऑर्डर होता है, प्रोज ऑर्डर होता है, वह होता है सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता, कर्ता, यह है कर्म और यह है क्रिया। इस प्रकार से ये ऑर्डर चेंज हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, कर्म, क्रिया होता है। ये कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होता है। इसी ऑब्जेक्ट पर आधारित ये चैप्टर आज हमको आपको पूरा करना है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं कैसे समझें। लेकिन एक बात और ध्यान देना, सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब पर बिल्कुल नहीं जाना है। यद्यपि मैंने पहले की वीडियो में बताया है हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब है, मेन वर्ब। आज हम सकर्मक और अकर्मक समझना होगा, सिर्फ आज हमें मेन वर्ब पर ही विचार करेंगे। ठीक है, अब इसकी परिभाषा से क्या समझ लेते हैं। ऐसी सारी क्रियाएं जिसके साथ कर्म का होना जरूरी हो, कर्म का होना कंपल्सरी हो, बिना कर्म के हम उसका आशय समझ नहीं सकते, उसको हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। और ऐसी सारी क्रियाएं जिसमें कर्म, जिस वर्ब के साथ कर्म माने ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है, बिना ऑब्जेक्ट के ही हम इसके उसके सेंस को, उसके मीनिंग को समझ जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि यह अकर्मक क्रिया है। अब ये समझने के लिए पहले हमें एक चीज पर चर्चा करनी पड़ेगी, यद्यपि पहले के वीडियो में ये दिया गया है। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट, इसकी गुणवत्ता के आधार पर, इसके पोजीशन के आधार पर, इसकी मीनिंग के आधार पर ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये क्या होता है पहले हम ये समझ लेंगे, तो हमको ये समझना आसान हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जिसके बिना, जिस पर क्रिया की जाती है, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट, क्रिया जिस पर डिपेंड होती है या क्रिया जिसके द्वारा पूर्ण होती है, जिस पर पूर्ण होती है, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वह क्रिया, वह कर्म, वह ऑब्जेक्ट जिसका रिलेशन डायरेक्टली एक्शन से नहीं होता है, उसे हम इनडायरेक्ट समझते हैं। अच्छा, आपको एग्जांपल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल ही समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसका आंसर आता है क्या से,
व्हाट, ये पहचान है। जिस कर्म, जिस ऑब्जेक्ट का आंसर, जिस ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन व्हाट से बनता है, क्या से बनता है, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिसमें और कुछ हो जाता, हुम होगा, हुज होगा, वेयर होगा, वाई होगा, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कहेंगे। अब जरा एग्जाम्पल देखें, आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल यहां पर ही मैं दे रहा हूं, यहां पर आई रोट अ लेटर टू हिम। अब ध्यान यहां पर देना, ये है वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, टू हिम ऑब्जेक्ट है, यहां पर दोनों ही ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो लिखने का एक्शन है, लिखने का जो एक्शन है, किसके द्वारा कंप्लीट माना जा रहा है, किस पर किया जा रहा है, लेटर पर किया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर हिम ना रहे तो भी चलेगा, हिम के बिना इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट होने वाली नहीं है। लेकिन मैंने लिखा, क्या लिखा यहां पर, व्हाट, इसका क्या आएगा, व्हाट। जब भी लिखाना चाहेंगे, क्या लिखा, क्या दिया, क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या हराया, क्या खाया, ये सारे ऑब्जेक्ट जिसके क्वेश्चन व्हाट से बनेंगे, क्या से बनेंगे, वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसका क्वेश्चन और किसी भी डब्ल्यूएस से बनता है, हुज, हुम, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, इन सबको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अभी तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अब यहां पर आई रोट अ लेटर, ये रोट जो एक्शन है किस पर कंप्लीट हो रहा है, टू हिम पर या लेटर पर, या यूं समझ लीजिए हम क्या व्हाट किसके साथ लगा सकते हैं, लेटर के साथ में कि टू हिम के साथ में। आपका आंसर होगा लेटर के साथ में। इसका मतलब लेटर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बात समझ आएगा। तो जिस वर्ब के साथ में, हम तो यूं बोलेंगे जनरली, जिस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट कंपल्सरली होना ही चाहिए, वह वर्ब हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके साथ जरूरी ना हो वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव। कहने का मतलब ये, ऐसा सेंटेंस जो बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट सेंस दे सकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उस वर्ब को क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव। और जहां कंप्लीट ना हो उसे हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। इसके लिए हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं और उस एग्जांपल से समझेंगे, ओके। अब आपके यहां, आपके सामने यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ऐसे एग्जांपल के साथ साथ हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को समझेंगे और समझना आसान हो जाएगा। नंबर एक, सी सेट, वो बैठ गई, या ही सेट, वह बैठ गया, दे सेट, वे बैठ गए। अब इसमें अगर यहां पर देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जगह यहां पर ब्लैंक है, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, अगर हम चाहें तो ऑब्जेक्ट यहां पर कुछ ऐड कर सकते हैं। शी सेट इन द चेयर, ओके, शी सेट ऑन द ग्राउंड, इस प्रकार से। लेकिन खैर कोई बात नहीं, यहां पर सेट है और उसे बैठने का काम पूरा हो चुका है, ये पूरा सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इस सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट है, किसी तरह से इनकम्प्लीट नहीं है। वो बैठ गई मतलब बैठने का काम पूरा हो गया, ठीक है। मतलब बिना ऑब्जेक्ट के भी हम इसकी मीनिंग को कंप्लीटली समझ सकते हैं, इसका कंप्लीट सेंस हमको मिल रहा है। इसका मतलब सिट, सेट, चिटिंग, ये वर्ब एक क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्टली हम कुछ ऐड कर सकते हैं, इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं मान दू, यहां पर लिख दिया इन द चेयर, कुर्सी पर, वह कुर्सी पर बैठ गई। अब अगर हम इन द चेयर का क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्या व्हाट बनेगा, वह क्या बैठ गई,
वो कहां बैठ गई, क्यों बैठ गई, कैसे बैठ गई, किधर बैठ गई, ये चलेगा, लेकिन वो क्या बैठ गई, क्या इसका ऐसा क्वेश्चन हो सकता, माने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यहां पर हो सकता है जिसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या आंसर मिलेगा, क्या क्वेश्चन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसके लिए आया है, सेट के लिए आया है, ओके। लेकिन सेट के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी हम इसकी कंप्लीट मीनिंग को, पूरी मीनिंग को आसानी से क्लियरली समझ सकते हैं। इसलिए सिट एक क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके लिए कर्म की आवश्यकता, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। हेलो, मैंने मिटा दिया इसको, सी सेट। तो सी सेट एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी यह अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस ये दे रहा है, बिना ऑब्जेक्ट के भी हम इसकी मीनिंग दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहां पर कि यह क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। नंबर टू में देखें, बॉयज वेंट, बॉयज वेंट, लड़के चले गए। अब क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यहां पर आप ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन व्हाट से बने, क्या से बने, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हम यहां बोल सकते हैं बॉयज वेंट टू स्कूल, बॉयज वेंट टू मार्केट, लेकिन वह सेंस को कंप्लीट, इसके एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जरूरी नहीं है। अभी मान लो कि अभी हमें यहां क्लास ले रहे हैं तो किसी का पेरेंट का फोन आता है, सर बच्चे अभी वहां पर हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, बच्चे चले गए, बच्चे यहां से चले गए। अब मतलब कंप्लीट सेंस हो गए, यहां से चले गए तो कहां चले गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये नहीं बताना पड़ेगा पेरेंट्स से कि बच्चे साहब कहां चले गए, अब क्लास से छूटे ना घर पर चले गए। या एक टीचर अगर क्लास टाइम हो जाता है, घर पे पेरेंट्स फोन करता है, सर क्या बच्चे स्कूल आए, क्लास आए, वो बोलेंगे हाँ सर बच्चे चले गए, तो मैं फोन रख देता हूं, ये समझ जाता हूं कि जाने क्रिया हो चुकी है, घर से वो बच्चे निकल कर क्लास में आएंगे। इसलिए जाना एक अकर्मक क्रिया है, गो इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि जाने की क्रिया होने के लिए, यह एक्शन पूरा होने के लिए किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। हां अगर आप चाहें, जरूरत समझें, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वह ऑब्जेक्ट 100% इनडायरेक्ट होगा। जैसे बॉयज वेंट नाउ, बॉयज वेंट टू स्कूल, अब यहां पर टू स्कूल है, टू कॉलेज है, टू मार्केट है, टू मुंबई है, टू नागपुर है, तो अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, उसका क्वेश्चन व्हाट से बनेगा, क्या नहीं बनेगा, वेयर से बनेगा। और जिन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन व्हाट से बनता है, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आता है, बाकी डायरेक्ट हो जाता है। इसका मतलब जाने के लिए गो का जो एक्शन है, ये कंप्लीट सेंस देने के लिए इसके साथ किसी भी एडिशनल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, बराबर है, एडिशनल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इनट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप में कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा वो और भी क्लियर हो जाएगा। गर्ल्स आर डांसिंग, अब आगे यहां पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर आप जबरदस्ती कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं गर्ल्स आर डांसिंग इन द रूम, गर्ल्स आर डांसिंग इन द क्लासरूम, गर्ल्स आर डांसिंग नाउ, गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज, लेकिन इन सारे ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन व्हाट से बनने वाला नहीं है। मतलब जो भी एडिशनल ऑब्जेक्ट आप यहां पर ऐड करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, ठीक है। और जब यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मतलब ये जो डांसिंग का एक्शन है, ये एक्शन है विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट सेंस दे रहा है, विदाउट ऑब्जेक्ट ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए डांसिंग, डांस, डांस जो भी फॉर्म हो वर्ब के, ये किसे आएंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब में आएंगे। बात समझ में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो,
दे विल रन वे दौड़ेंगे क्या दौड़ेंगे नो ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं कहां दौड़ेंगे कब दौड़ेंगे क्यों दौड़ेंगे कैसे दौड़ेंगे ये हो सकता है क्या दौड़ेंगे माने इसमें आप क्या लगाकर क्वेश्चन नहीं बना सकते इसका मतलब यहां पर कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और जब इसको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो आप बोलेंगे कि रन एक अकर्मक क्रिया है रन एक इंटेंजिटिव वर्ब है ठीक है क्योंकि बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के यह सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वे दौड़ेंगे वे कहां दौड़ेंगे वे हो सकता है वो क्या दौड़ेंगे ऐसा नहीं बन सकता है मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यहां पर आप ऐड कर ही नहीं सकते हैं जिससे आप क्या बना सकें व्हाट लगा सकें तो ये हो गया क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट यहां पर नहीं होगा तो ये जो रन है दौड़ना है एक अकर्मक क्रिया है ठीक नेक्स्ट पांचवा देखो इट रेन्स हेवली तेज बरसात होती है या इट इज रेनिंग हेवली इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग ऐसा कुछ करके कर सकते हैं नहीं इट इज रेनिंग बरसात हो रही है तब बरसात हो रही क्या बरसात हो रही ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं कब हो रही कैसे हो रही चलेगा लेकिन कब से हो रही चलेगा लेकिन क्या बरसात हो रही है इसका ऐसा क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता है रेन वर्षा होना ये भी क्या है अकर्मक क्रिया है इंटेंजिटिव वर्ब है ठीक है नेक्स्ट देखो पांचवा छठवा इट ब्लोज हवा बहती है हवा बहने के लिए भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ध्यान रखना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती ऑब्जेक्ट जब भी मैं यहां बोल रहा हूं सेंस लगाना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इनडायरेक्ट तो हम बोल सकते हैं ना तो यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए ब्लो ब्लोइंग ये क्या है एक अकर्मक क्रिया है एक इंटेंजिटिव वर्ब है अब आइए हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे हम समझ कर क्लियर करेंगे वो आपको मैं बताता हूं यहां जो सेंटेंस मैंने पांच सेंटेंस देखा है और पांच सेंटेंस में पूरा का पूरा एक्शन आप समझ जाएंगे कंफर्म हो जाएंगे अगर देखना पहला है वी डिफीटेड हमने परास्त कर दिया हमने परास्त कर दिया क्या परास्त कर दिया क्या परास्त कर दिया तो अब यहां पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने डिफीट एक एक्शन है यह एक्शन कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट का यहां पर होना जरूरी है नहीं तो यह कंप्लीट सेंस नहीं देगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे हमने क्या परास्त कर दिया अपना दुश्मन परास्त कर दिया पाकिस्तान को परास्त कर दिया चाइना को परास्त कर दिया समस्याओं को परास्त कर दिया तब तक ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा मतलब यह है, क्या है सेंटेंस तो मैंने लिख दिया है ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति के कारण ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस यह आपको पूरा का पूरा अर्थ अस्पष्टता नहीं दे सकता है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे किसमें रखेंगे माने इसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर ऐड नहीं करते हैं तो ये सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता ठीक है ना तो डिफीट क्या हो गया एक ट्रांजिटिव वर्ब है इसके लिए कर्म की आवश्यकता है इसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है ऑब्जेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक कंप्लीट सेंस नहीं देगा ऐसे सारे वर्ब को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव सकर्मक माने सकर्मक इसके साथ कर्म होना चाहिए इसके लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए चलो ठीक है अब आप देख लें सेकंड सेंटेंस She was eating, वह खा रही थी अब खाना ईट करना यह अगर मैं अभी आप लोग देख रहे होंगे हिंदी में अगर सिंदर बोले तो वह खाया आज बहुत खाया अब खाने के लिए ढेर सारी चीजें होती हैं फल खाया जा सकता है खाना खाया जा सकता है कोई कोई गाली खाता है कोई मार खाता है कोई कोई जूते चप्पल खाते हैं लोग बहुत मार खाया वो बहुत गालियां खाया तो अगर हम खाने के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं ऐड करेंगे कि वो क्या खा रही थी तो पता नहीं क्या सेंस हमारे दिमाग में आ जाएगा बराबर है सेंस हमारे दिमाग में कुछ और ही आ जाएगा क्या खा रही थी वो बताना पड़ेगा आपको क्या व्हाट तो व्हाट
आपके लिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट जो है ब्लैंक है। जब तक इस ब्लैंक ऑब्जेक्ट ब्लैंक जगह पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक जो ईटिंग का एक्शन है वो कंप्लीट मीनिंग देने वाला नहीं है। सामने वाला सुनकर के भी नहीं समझ पाएगा वो क्या खा रही थी। आप लोग ऐसे सेंटेंस यूज करते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे ना, बहुत गालियां खाया, ठीक, बहुत डंडे खाया, थप्पड़ खाया, मार खाया, केला खाया, सेब खाया, क्या खाया वो कंफर्म होने के लिए, मीनिंग को, ये सेंटेंस को कंप्लीट सेंस में लाने के लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। इसीलिए ईट ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मेरे विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे इसको, ठीक है ना। अगर इतने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर प्रश्न पूछिए। जो भी आपके मन में, जो भी क्वेश्चन आपके मन में बनते हैं उसको आप पूछने से अपने आप को रोकिए मत। चल ठीक है, अब आ जाइए थर्ड सेंटेंस में देख लेते हैं। रमन वाज राइटिंग, रमन लिख रहा था। रमन वाज राइटिंग, अब रमन क्या लिख रहा था? गाने लिख रहा था, कविता लिख रहा था, स्टोरी लिख रहा था, लेटर लिख रहा था, नोट लिख रहा था, क्वेश्चन लिख रहा था, आंसर लिख रहा था, क्या लिख रहा था ये कंप्लीट सेंस हमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लिखकर माने हम इसकी एक्शन को समझ करके ही अपने आप को आश्वस्त कर पाते हैं, ठीक है ना। जब मैं देखा तो लिख रहा था, अब वो पूछे भाई क्या लिख रहा था, नोट्स बना रहा था, क्वेश्चन लिख रहा था, आंसर लिख रहा था, तो ये सारे कंफ्यूजन होंगे हमारे दिमाग में। क्यों कंफ्यूजन होंगे? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट ना होने से नुकसान क्या है कि सामने वाला कंप्लीट सेंस को नहीं पाएगा, सामने वाला इसकी सही मीनिंग नहीं समझ पाएगा। इसलिए राइटिंग एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। ओके चलो अब ये देखना, क्वेश्चन नंबर 4, वी वर वॉचिंग, हम लोग देख रहे थे। भाई क्या देख रहे थे, लड़की देख रहे थे, लड़का देख रहे थे, कोई बिल्डिंग देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, धारावाहिक देख रहे थे, क्या देख रहे थे? तो जब तक इसके बाद में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक वॉचिंग अपना पूरा सेंस नहीं दे पाएगा। जब वॉचिंग या एक्शन पूरा सेंस नहीं दे पाएगा तो ये सेंटेंस ही किस काम का, सेंटेंस भी नहीं दे पाएगा, और सेंटेंस जब नहीं दे पाएगा तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक इनकम्प्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस है, और वो सेंटेंस हमको चलता नहीं, आपको भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और ध्यान रखना कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना, इनडायरेक्ट बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये वॉचिंग एक सकर्मक क्रिया है, इसके साथ कर्म का होना जरूरी है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, क्या दे दिया, दे ऑर्डर्ड ए कप ऑफ कॉफी, दे ऑर्डर्ड पिज्जा बर्गर, क्या दिया, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा, और अगर ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये समझ लीजिए कि यह मीनिंग कंप्लीट नहीं दे सकता, और जब ये कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता तो सेंटेंस किस काम का, तो सेंटेंस जब ये कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता तो नॉनसेंस हो गया ना, नॉनसेंस मतलब समझ लेना विदाउट सेंस हो गया, कोई मीनिंग इसकी नहीं है, और जब मीनिंग नहीं हमारे किस काम का, किसी काम का नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसके साथ में ऑब्जेक्ट ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करते हैं तो ये सेंटेंस विदाउट मीनिंग होगा, विदाउट सेंस होगा, इसका सेंस क्लियर नहीं होगा। इस प्रकार से आपने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की अंतर एग्जाम्पल के द्वारा समझ गए होंगे, और ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के आप इसको देख सकते हैं। अब दूसरी बात ये होती है, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो प्योरली इंट्रांजिटिव होते ही होते हैं, कुछ वर्ब उनके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जैसे यहां अभी यहां जो लिखा था मैंने। अब कुछ वर्ब जो होते प्योरली ट्रांजिटिव होते हैं वो कंपल्सरली वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर के आते ही आते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे। ले जैसे यहां पर आते हैं ना, जितने भी वर्ब आप देख रहे हैं ना सब प्योरली ट्रांजिटिव हैं, इसके साथ ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सिचुएशनल होते हैं, कंडीशनल होते हैं,
कि वो ट्रांजिटिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इंट्रांजिटिव में यूज किया गया है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, आई एम गोइंग, आई एम राइटिंग टू हिम, मैं उनको लिख रहा हूं, और आई एम राइटिंग अ लेटर टू हिम। अब देखना, इसके अंदर कंडीशनल है। अब यहां राइटिंग के साथ में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो डायरेक्ट हो, जिसका क्वेश्चन आप व्हाट्सएप बना सकें। इस कंडीशन में ये जो राइटिंग है, जो राइटिंग वर्ड है, राइट वर्ब है, यह आप इंट्रांजिटिव के रूप में देखेंगे, अकर्मक के रूप में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि इसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट अटैच नहीं है। ठीक, सेकंड देखना, आई एम राइटिंग अ लेटर टू हिम, मैंने यहां पर लेटर एड कर दिया। अब इसका क्वेश्चन आप व्हाट्सएप ले सकते हैं, व्हाट्सएप बना सकते हैं। तो यहां पर ये जो राइटिंग है क्या है? अकर्मक, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब है, सिचुएशनल है। ऐसा कभी कभी होता है कि आप भाई यहां पर जो वर्ब है वो सकर्मक है कि अकर्मक है, ये आप कैसे पता करेंगे? सेंटेंस को देखकर पता करेंगे। अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सकर्मक बोलिए, ट्रांजिटिव बोलिए, और नहीं है तो इंट्रांजिटिव बोलिए। सो तो मैं ये मान सकता हूं कि छोटे वीडियो में आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे समझ गए होंगे। अगर जहां पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसका आंसर श्योर एंड सर्टेन मैं देता रहता हूं और दूंगा भी। ठीक है, इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त करता हूं। वर्ब में और कोई प्रॉब्लम हो और कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। 100% आपके कमेंट को ध्यान रखते हुए उसका वीडियो मैं बना करके, हो सकता है अगर आज कमेंट देते हैं कल न दे पाऊं, परसों पक्का दूंगा। ठीक है, 100% दूंगा, क्योंकि अपनी एक क्या होता है, रूटीन होता है। अभी रूटीन मैंने बना लिया कि आज मैंने अगर ये वीडियो बनाया है तो नेक्स्ट डे में कुछ और वीडियो बनाऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें वो आपका कमेंट का वीडियो नहीं आएगा, तो नेक्स्ट डे में वो आपके रूटीन में ऐड कर लूंगा। आपका जो कमेंट रहेगा उस कमेंट के आधार पर मैं वो वीडियो बनाकर आपको देता रहूंगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर रूप में मिलते जाएंगे, ओके, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होंगे। इसी के साथ में ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं और तुम्हें सौंपता हूं। अब आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा। थैंक यू।